स्कूल फीस में 5% से जायद इसाफा गैर कानूनी करार, सिंध हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। जामशोरम में सिकंदराबाद साइट एरिया कोठरी में ईद मिलन पार्टी की तकरीब का इनेकाद, तकरीब की मेजबानी के फ्राइज जाहिद बाचा ने अदा किए। जामशोरम से हमारे नुमाइंदे नसीर खान तफसील बताएंगे। जामशोरम सिकंदराबाद साइट एरिया कोठरी में ईद मिलन पार्टी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेजबानी के फ्राइज जाहिद बाचा ने अदा किए। इस मौके पर जाहिद बाचा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस ईद मिलन पार्टी का मकसद कॉलोनी में रिहाइश पजीर तमाम कौमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और कॉलोनी के बुनियादी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करना है। ये तब भी मुमकिन है जब तमाम लोग नेक नीति के साथ एक साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। तकरीब से शेर मोहम्मद, फकीर मोहम्मद, मोहम्मद जबैर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सिकंदराबाद कॉलोनी तमाम बुनियादी सहूलतों से भरे हुए हैं, जिनमें पानी, सेवरेज का निज़ाम, बिजली और दीगर मसाइल की भरमार है। हम चाहते हैं कि उनके ये मसाइल हल हों, आवाम के तमाम बुनियादी हकूक मैसर हों। मुकर्रीन ने मुंतखब नुमाइंदे सूबाई वजीर मलक असद सिकंदर से मुतालबा किया कि उनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएँ, सिकंदराबाद कॉलोनी में टकैती काम कराए जाएँ। मोहम्मद नसीर, टुडे न्यूज, जामशोरम। सनावा के इलाका कस्बा ग्रमानी ताजिर सेठ आजम पर कातलाना हमला, मोटरसाइकिल पर 3 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ताजिर सेठ आजम को मौत के घाट उतार दिया। थाना महमूद कोर्ट के SHO नदीम हैदर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट अद्दू में दानिश स्कूल में नवी जमात के तालिब इल्म की 7वीं जमात के बच्चे के साथ ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर्ट अब्बास में हाजी इकबाल अब्बासी सदर जमीयत अल अब्बासिया के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब, तकरीब के मेहमान खुसूस जनाब डॉक्टर राव शाहिद साहब थे। शुरका ने कहा कि हम हाजी इकबाल अब्बासी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है और मजहबी अमूर है, ये तमाम तकरीबन 13 कमेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम कर रही हैं और हम ये सिर्फ जमीयत उल अब्बासिया के लिए काम नहीं करेंगे, ये तमाम बरादरियों के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह। हम सब साथ लेकर चलेंगे। इनके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला जमीयत उल अब्बासिया जिस तरह पहले भी हाजी इकबाल साहब मशहूर हैं, कोई भी पाकिस्तान का कौमी डे होगा जमीयत उल अब्बासिया इंशाल्लाह उसमें भरपूर अपना एक हिस्सा डालेगी और इंशाल्लाह जिस तरह हमने 14 अगस्त में अपना प्रोग्राम बनाया था इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह तरह के प्रोग्राम हम चलाते रहेंगे। आने वाले तमाम मेहमानों का डॉक्टर हमारे लिए यहाँ तशरीफ लाए उनका बहुत शुक्रिया। आज की ये फुल ऑनर तकरीब हमारे अब्बासी बरादरी के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब है और इसमें उन्होंने कहा कि मैंने अनाउंस किया था इन बॉडीज के लोगों के लिए कौन कुछ नसीब होगा, अभी कुछ ही देर में इस सब का सामने आने वाला है। कोर्ट अद्दू में चौक सरवर शहीद सनावा मोड़ पर रात की तारीकी में डाका, चोरों ने इकबाल अवान और मलिक शेरजमान के घरों को नकब लगाकर सफाया कर दिया। 43,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल और 1 तोला तलाई जेवरात ले उड़े। पुलिस थाना चौक सरवर शहीद मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी।